हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय प्रसार यानी के सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, और इसका पार्ट 1 हम आपके पास लेके आए हैं। तो NCERT बुक्स पर बेस ये जो चैप्टर है इसके जो है अब हम शुरू करते हैं। तो मुस्लिम समाज के बारे में हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज क्या है। तो संपूर्ण विश्व में 180 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जबकि संपूर्ण विश्व में जो आबादी का प्रतिशत है वो ये 24.1% है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दुनिया का हर चौथा इंसान जो है इस समय की आबादी का वो मुस्लिम है। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है इस धर्म से जुड़ी हुई है वो 1400 वर्ष पूर्व अरब के प्रायद्वीप में आरंभ हुआ था। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि 1400 वर्ष में ये संपूर्ण विश्व में फैल गया, और आज विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मुस्लिम आबादी ना हो को मानने वाले हैं वो, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं संसार के, तो इसीलिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, और साथ ही साथ जो है ये पहनावा भी इनका अलग तरह का होता है उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से। तो मुस्लिम बनाने के लिए जो विधियां अपनाई गई या जो परिस्थितियां थी वो सब क्षेत्र और समय के हिसाब से अलग अलग प्रकार की थी। और ये देखते हैं कि 612 ईस्वी में जब इस्लाम की शुरुआत हुई उससे लेके 1200 ईस्वी तक ये जो है मिस्र से लेके अफगानिस्तान तक फैल चुका था। तो यहाँ ये ग्लोब में हम देख रहे हैं कि ये हरे रंग से दिखाया गया क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहाँ पर इस्लाम का प्रभाव सबसे अधिक है। कि ये इतिहास को जानने के यहाँ पर तीन जो विधियाँ हैं वो तीन स्रोत हैं मुख्य, उनमें पहला है इतिवृत्त या तवारीख, और इसके अलावा दूसरा जो है वो है अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ, और तीसरा है अन्य प्रकार के स्रोत। तो आइए हम बारी बारी से इनको समझते हैं। तो इतिवृत्त या तवारीख का मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी शासक के लिए जो लिखा गया क्रमबद्ध इतिहास होता है पूरे आंकड़ों के साथ वो, और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में क्या आएगा उसके लिए आप देखते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में जीवन चरित्र जिन्हें सिरा बोलते हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो है आपके पैगंबर के कथन और कृत्य के अभिलेख जो हैं, यानी कि पैगंबर ने जो कहा और किया उनके बारे में जो अभिलेख हैं रिटर्न चीज़ें हैं जिन्हें हदीथ कहते हैं, और तीसरा जो इसका सब पार्ट है वो है कुरान के बारे में टिकाएँ जिसे तफसीर कहा जाता है। तो ये अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि पहला जो इसका प्रकार है वो है कानूनी पुस्तकें, यानी कि कानून के बारे में जो ज्ञान है पुस्तकों में दिया गया उनसे ही इनके इतिहास को जानने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जो है भूगोल के से भी इनका कि किस क्षेत्र में ये रहे उनका भूगोल कैसा था उससे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो कई यात्री थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम यात्री काफ़ी हुए हैं और वो अपनी यात्राओं का वर्णन जो है करते रहते थे, तो उनसे यात्रा वृत्तांतों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अगला जो है वो है साहित्यिक रचना, यानी कि जो साहित्य लिखा गया जो पुस्तकें लिखी गई उनसे भी इतिहास को समझने में मदद मिलती है। अब कृतियों का निर्माण जो है वो प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों या जिन्हें अखबार कह सकते हैं कि बड़े संग्रह द्वारा किया गया, और ये वृत्तांत जो है मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के थे। वृत्तांत का मतलब होता है किसी के बारे में वर्णन करना, तो ये मौखिक भी होते थे और लिखित भी होते थे, दोनों प्रकार के होते थे, और प्रत्येक सूचनाएँ जैसे खबर, सूचना को खबर कहते हैं, कि प्रामाणिकता की जांच जो है वो आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी ताकि उसके सभी पक्षों पर विचार किया जा सके, और सूचना भेजने को जिसे इस्नाद कहते हैं कि श्रृंखला का पता लगाकर कि वो सूचना कहाँ से शुरू हुई
और किस प्रकार आगे तक पहुंची, तो उसका पता लगा के वर्णनकर्ता का यानी कि जिसने उसके बारे में बताया है कि विश्वसनीयता को स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से ये जब सब तरीके जो हैं ये इस्लामिक राज्य और इस्लाम से संबंधित इतिहास को जानने में सहायक हैं। तो मध्यकालीन जो मुस्लिम लेखक होते थे उनकी विशेषताओं के बारे में अब हम देखते हैं। तो पहला जो इनकी विशेषता थी वो ये थी कि वे सूचना का चयन करने में यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसके बारे में कि किस इन्फॉर्मेशन को लेना है उसको चयनित करना और सूचना दाताओं को यानी कि जिन्होंने सूचना दी है के अभिप्राय को समझने में यानी कि उनका क्या मतलब था सूचना देने वाले का क्या अर्थ था वो तो सूचना देने के पीछे क्या अभिप्राय था उसको समझने के मामले में वो विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन यानी कि उनके समय के अन्य जो लोग हुए हैं उनकी अपेक्षा जो है अधिक सतर्क थे, ज़्यादा अलर्ट रहते थे, होशियार रहते। और दूसरा है कि विवादास्पद मुद्दों के मामले में एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत कर परखने का कार्य पाठकों पर छोड़ दिया यानी कि किसी मामले विशेष में अगर विवाद पैदा हो जाता है या एक से अधिक बातें सामने आती हैं विभिन्न प्रकार की तो उनको जो है पाठकों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो स्वयं ही अपने विवेक से इस पे निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ समकालीन घटनाओं के बारे में उनका जो विवरण होता था वो अधिक सुनियोजित होता था और साथ ही साथ विश्लेषणात्मक भी होता था यानी कि वो पहले से ही प्रीप्लान्ड होते थे और अच्छे से विश्लेषण करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। और चौथी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ अरबी में हैं। इनमें सर्वोत्तम कृति जो है वो तारीख़ तबरी की है, जो तारीख़ तबरी की है जो आपको यहाँ पुस्तकें दिखाई गई हैं ये तारीख़ तबरी की हैं और इस पे जो हैं 38 खंड हैं। तो 38 खंडों में इनका अनुवाद किया गया है, इनको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये जो है इतने बड़ा ग्रंथ है कि जिसके 38 वॉल्यूम्स निकालने पड़े। तो यहाँ ये जो चित्र दिया गया है ये तारीख़ तबरी के लेखक अल तबरी का है और ये जो है उनकी कब्र है। और अगली विशेषता जो है पांचवी विशेषता कि फारसी में लिखे गए जो इतिवृत्त थे वो ईरान और मध्य एशिया के बारे में जानकारी के स्रोत रहे हैं। और छठी जो विशेषता है वो इस तरह से है कि सीरिया में लिखे गए ईसाई वृत्तांत जो हैं आरंभिक इस्लाम के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं यानी कि ईसाइयों के वृत्तांतों से भी खाली मुस्लिम लेखकों के से ही नहीं पता लगता बल्कि ईसाई लेखकों ने जो शुरू में लिखा सीरिया के ईसाई लेखकों ने उनसे जो है मुस्लिम इतिहास को जानने की हमारे को अच्छा स्रोत वहाँ से प्राप्त होता है। अब इसके साक्ष्य या एविडेंस क्या हैं तो इतिहास को समझने के साक्ष्य जो हैं उनके यहाँ हम देखते हैं कि ये जो साक्ष्य हैं इनको समझने का पहला जो वह है कि ये जो हैं दस्तावेजी साक्ष्य जो थे वो होते थे यानी कि हाथ से दस्त का मतलब होता है हाथ। तो हाथ से लिखे हुए साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होते हैं उनकी बात करते हैं। और दूसरा जो है वो है पुरातत्वीय साक्ष्य यानी प्राचीन साक्ष्य जो उस समय के साक्ष्य हैं इमारतें वगैरह हो सकती हैं और जो खुदाई आदि से निकली हों या वैसे ही मौजूद हों। और तीसरा जो है इसी का प्रभाग वो है मुद्रा शास्त्रीय स्रोत यानी के जो कॉइन्स होते थे सिक्के होते थे उनके बारे में जो जानकारी के स्रोत हम मिलते हैं उनसे भी इतिहास को समझने में मदद मिलती है। और अंतिम जो है वो है पुरालेख ये स्रोत पुरालेख का मतलब जो प्राचीन समय में लिखे गए स्रोत हैं वो जो हैं उनको जानकारी देते हैं। आइए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो दस्तावेजी जो साक्ष्य हैं उनमें सरकारी आदेश आते थे साथ ही साथ जो है इनमें जो आते हैं सरकारी आदेशों के अलावा वो निजी पत्राचार भी होता है। तो ये जो सरकारी आदेश और निजी पत्राचार है ये यूनानी और अरबी भाषा में पेपायरस और गैनीजा अभिलेखों के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो अब पुरातत्वीय साक्ष्यों के बारे में हम देखते हैं तो ये जो हैं पुराने उजड़े हुए महलों की खुदाई आदि से ये प्राप्त हुए हैं।
और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत जो हैं ये हमारे को सिक्कों के अध्ययन से पता लगता है कि क्योंकि सभी राजा जो होते थे वो अपने शासनकाल में अपनी तरह के सिक्के चलाते थे, तो उन सिक्कों के अध्ययन से पता लग जाता है कि उनके इतिहास के बारे में कि कितनी प्रमाणिकता रही है और कौन सा जो शासक है वो किस समय में रहा, और सिक्कों के प्रकार से भी ये पता लग जाता है कि उसका शासनकाल कितनी समृद्धि का रहा था। जैसे स्वर्ण जब सिक्के चलते हैं तो ये माना जाता है कि उस समय राज्य जो है समृद्ध रहा था, और सिक्कों की क्वालिटी आदि से भी पता लग जाता है कि शासन जो है कितना कुशल और समृद्ध रहा होगा। अब पुरालेखीय स्रोतों के बारे में बात करते हैं, तो पुरालेखीय स्रोत जो हैं जो इस तरह से अभिलेख शिलालेख आदि मिलते हैं जो हमारे को यह सब आप यहाँ देख रहे हैं, तो इन शिलालेखों के अध्ययन से भी हमारे को इनकी जानकारी मिलती है। अब हजरत पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की, जो इस्लाम के प्रणेता थे, तो इनके जीवन काल की थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि हजरत पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो अरब के शहर मक्का में 8 जून 570 ईस्वी में हुआ था। तो मोहम्मद साहब का में जो मोहम्मद शब्द है तो वो मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो। तो इनके पिता जो थे उनका नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। तो इनका जो पूरा नाम है यानी कि मोहम्मद साहब का पूरा नाम वो था अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द अल मुआलिब इब्न हाशिम। तो ये इनका पूरा नाम है, तो लेकिन सभी लोग जो हैं इन्हें इनके नाम मोहम्मद से ही जानते हैं। तो इनका जन्म जो है रबी अल अव्वाल के महीने में माना जाता है। ये जो हैं कुरैशी जनजाति के थे, जो कुरैशी जनजाति है काफ़ी प्रभावशाली जनजाति थी, तो उसका एक हिस्सा बनू हाशिम कबीले से इनका संबंध था। इनके परिवार की गिनती मक्का के गणमान्य परिवारों में की जाती थी। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला की मृत्यु इनके जन्म से लगभग 6 महीने पहले ही हो गई थी। तो 6 वर्ष की आयु में जब ये 6 वर्ष के थे तो इनकी माता का भी निधन हो गया, इन्होंने अपनी माता को भी खो दिया, और इस तरह से बालक मोहम्मद जो है वो अनाथ हो गए थे। तो मोहम्मद साहब को अगले 2 वर्षों के लिए उनके अभिभावक जो रहे या गार्जियन जो रहे वो उनके दादा अब्दुल मुतालिब थे, जो कि बनू हाशिम वंश के मुखिया थे। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि इनका कबीला जो है बनू हाशिम था, तो बनू हाशिम कबीले के मुखिया थे, तो अपने दादा की सरपरस्ती में ये 2 वर्ष तक रहे। उसके बाद कबीले के नए मुखिया जो बने उनके चाचा अबू तालिब, तो ये उनकी देखरेख में आ गए, आगे का पालन पोषण उन्होंने ही किया। किशोर अवस्था में मोहम्मद जो है वो वाणिज्यिक व्यापार का अनुभव हासिल करने के लिए सीरिया के व्यापारिक यात्रा पर अपने चाचा के साथ गए थे। यानी कि जब वो किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तो व्यापार में उन्हें लगा दिया गया और अपने चाचा के साथ वो सीरिया की यात्रा पर भी गए। अपने ईमानदार चरित्र के कारण उन्हें 2 उपनाम दिए गए, अल आमीन जिसका अर्थ होता है विश्वास योग्य भरोसेमंद, और अल सादिक जिसका अर्थ है सत्य। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बालक मोहम्मद जो है वो किशोरावस्था से ही जो मानवीय गुण होते हैं उनसे भरे हुए थे, और सभी जो है उनका बचपन से ही अच्छे गुणों की वजह से सम्मान करते थे। अब इनकी वंशावली को देखते हैं कि मोहम्मद साहब की वंश परंपरा क्या थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये अदनान जिसे आदम भी कहते हैं उनकी ये वंशावली से यहाँ शुरुआत होती है कि जैसे ये माद निजार मुदार, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इलियास हुए, और इलियास के परिवार से चलकर मुद्रिक, और मुद्रिक से आगे जो है ख्वारिज्म, और ख्वारिज्म से कन्ना, और अल नदर, अल नदर से मलिक, मलिक से फिहार, फिहार से गालिब, गालिब से लियाई, और लियाई से काब, और काब से जो है
आगे मुंड्रा मुंड्रा से, किलाब किलाब से, कुशाई कुशाई से, अब्द मनाफ के बाद हाशिम और फिर अब्दुल मतलब और फिर इनके पिता अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पुत्र जो थे हज़रत मोहम्मद साहब थे। तो इस तरह से ये वंश परंपरा इनकी जो हरे रंग से दिखा रखी है वो है। बाकी के इनके जो परिवार के आगे जो हैं दूसरे जो रहे हैं मेन ब्रांच जो है उनकी यहाँ पर ये ग्रीन कलर से दिखाई गई है। आगे जो है हम देखते हैं कि अरब संस्कृति का फैलाव कैसे हुआ। तो छठी शताब्दी में जो अरब संस्कृति थी वो अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। तो इसमें जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये मैप है, तो यहाँ पर इस मैप में आप देख रहे हैं ये सीरिया है। तो सीरिया के दक्षिण प्रांत यानी कि नीचे की तरफ से यहाँ से लेके मेसोपोटामिया जो है यहाँ तक ये जो है फैला हुआ था। तो ये जो है अरब क्षेत्र कहलाता था। अब कबीलाई संस्कृति की बात करते हैं, तो कबीलाई संस्कृति में आप देख रहे हैं कि अरब लोग जो हैं वो बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे और ये जो हैं भोजन पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सभी कबीले जो हैं वो आपस में झगड़ते रहते थे और उनके जो हैं आपस में संबंध जो हैं वो बहुत ही दुश्मनीपूर्ण वैमनस्यपूर्ण होते थे। और इनको किसी भी कबीले का जो मुखिया होता था नेतृत्व करता होता था वो शेख कहलाता था। अब शेख का चुनाव किस प्रकार से होता था वो देखते हैं कि शेख का चुनाव करने के लिए कुछ योग्यताएं होती थी और एक तो है कि पहला है कि वो पारिवारिक संबंधों के आधार पर बन सकता था यानी कि वंशानुगत पद के को भी वो पा सकता था कि उसके परिवार में अगर कोई मुखिया है तो उसके बाद उनके पुत्र या भाई आदि मुखिया हो सकते थे। तो और दूसरा है कि व्यक्तिगत साहस के आधार पर भी शेख का पद पाया जा सकता था यानी कि कोई साधारण व्यक्ति अगर असाधारण साहस का परिचय देता था तो उसको भी शेख बनाया जाता था। इसके अलावा जो और तरीके हैं वो है बुद्धिमत्ता यानी कि कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी शेख बनाया जा सकता था। और आखिरी जो है वो है उदारता या मुरब्बा यानी कि किसी की उदारता को देखकर भी उसको शेख बनाया जा सकता था। तो ये चार जो हैं शेख के चुनाव की योग्यताएं थी जिनके आधार पर किसी शेख का चुनाव होता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पवित्र काबा की जगह है जो मक्का में है, तो ये काबा जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक चित्र है और इसको यहाँ दिखाने का जो वजह है वो ये है कि ये कबीले जो थे ये सभी कबीले थे अपने अपने इनके देवी देवता होते थे, बहु देवतावादी होते थे और मूर्ति पूजक भी होते थे और अलग अलग तरह के बुतों की पूजा करते थे और उनके अपने देवालय भी होते थे। तो बुतों को जिन्हें सनम कहा जाता था देवालयों में पूजा जाता था और काबा के अंदर जो है ये अपने देवता की मूर्ति स्थापित करते थे और उनकी वार्षिक यात्रा भी करते थे। तो इस तरह से काबा जो मक्का में था वो जो है इनका एक तरह से तीर्थ स्थान हुआ करता था। अब बहुत से जो कबीले हैं वो खानाबदोश यानी कि बद्दू या बेदुइन होते थे और जो खाद्य पदार्थों जिनमें मुख्यतः खजूर प्रमुख था और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में नकली स्थानों की ओर जाते रहते थे। नकली स्थान का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है और खजूर आदि के पेड़ उगे हुए होते हैं, कुछ हरियाली होती है, तो उनको नकली स्थान कहते हैं जिसे हिंदी में मरुद्धान भी कहते हैं। तो ये लोग जो हैं इनकी तलाश में रहते थे ताकि वहाँ पर उनको अपने ऊँटों के लिए चारा मिल सके और खाद्य पदार्थ खजूर आदि वो वहाँ से पा सकें। और कुछ लोग जो हैं शहरों और गांवों में बस भी गए थे और व्यापार और खेती करके अपना गुजारा चलाते थे। अब मक्का की बात करते हैं, तो मक्का जो है
उसके अंदर काबा शरीफ है, काबा जो है सभी कबीलों के लिए पवित्र था, और मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश जो था वो मक्का में ही रहता था और उसका मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था, यानी कि ये जो मुख्य धर्मस्थल हैं ये कुरैश जो कबीला था उन्हीं के नियंत्रण में था। इसका ढांचा जैसा कि आप देख रहे हैं घनाकार है, यानी कि घन के आकार का है, और इसे काबा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे बुत जो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, ये एक प्रतीकात्मक चित्र है, असली चित्र नहीं है, एक चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें ये बाहर मूर्तियाँ दिखाई गई हैं कि पहले इस प्रकार से मूर्तियाँ जो हैं काबा में स्थापित की जाती थी। तो ये बुत रखे हुए थे और मक्का के बाहर के कबीले भी यहाँ आकर अपने बुत रखते थे और काबा को पवित्र मानते थे और वे हर वर्ष जो है इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा हज किया करते थे। मक्का का महत्व क्या है? तो मक्का के महत्व के बारे में हम देखते हैं कि मक्का का इतना महत्व क्यों हुआ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्ग के एक चौराहे पर स्थित था जिससे शहर का महत्व बढ़ गया था। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये मक्का है और यहाँ आप देखिए ये यमन है और यमन से ये एडन से होते हुए जो ये रास्ता मक्का होते हुए जा रहा है, जिद्दा से भी ये रास्ता आ रहा है जो कि यहाँ रियाद तक जा रहा है। तो और फिर ये जो एडन से जो ये मार्ग चल रहा है यमन से, वो आप देख रहे हैं कि दमिश्क यानी कि सीरिया तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इस चौराहे पर यानी कि इस मार्ग और इस मार्ग के चौराहे के ऊपर ये स्थित था। तो जितने भी व्यापारी जो हैं इन मार्गों से जाते थे वो मक्का होकर ज़रूर जाते थे। तो काबा जो है एक पवित्र जगह थी, पवित्र जगह को ये हरम कहते हैं, तो वो माना जाता था। और तो जहाँ हरम में जो है या काबा के अंदर हिंसा जो है वो वर्जित थी, यानी कि हिंसात्मक कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो सकती थी, तो सभी दर्शनार्थी जो होते थे उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसलिए मक्का तो जो है क्योंकि सुरक्षित भी था और यहाँ पर शांति की जगह थी, इसीलिए भी लोग यहाँ की यात्रा के लिए प्रेरित होते थे। और तीर्थ यात्रा और व्यापार की वजह से कबीले एक दूसरे के नज़दीक आए और उनमें आपसी विश्वास और रीति रिवाजों का आदान प्रदान का उनको मौका भी मिला। तो ये काबा जो है इन कबीलों को जोड़ने का भी काम करता था जो आपस में एक दूसरे के वैसे बैरी होते थे। तो अब हम जो है मोहम्मद साहब के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस प्रकार की। तो यहाँ देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में कुरैशी जनजाति के बनू हाशिम कबीले में हुआ था, जैसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। इनके पिता का देहांत इनके जन्म से 6 माह पूर्व ही हो गया था। जब ये 6 वर्ष के थे तो इनकी माता अमीना का भी देहांत हो गया था। तो इसके बाद जो है अगले 2 सालों तक मोहम्मद के दादा अब्दुल मुतालिब जो हैं वो इनके अभिभावक बने। उसके बाद जो है वे अपने चाचा अबू तालिब की देखभाल में आ गए थे। तो मोहम्मद ने हर साल कई हफ्तों तक मक्का के पास जबल अल नूर पर्वत पर गारे हीरा नाम की एक गुफा थी, उस ये जैसे चित्र में दिखाया गया है गारे हीरा, तो इसमें जो है अकेले में बैठकर उन्होंने प्रार्थना शुरू की और उस गुफा में उनकी एक यात्रा के दौरान वर्ष 610 में महादूत जिब्रिल अल नूर जो यहाँ पर ये चित्र में दिखाए गए हैं, तो जिब्रिल अल नूर जो है ये एक महादूत थे तो इन जो इनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने इकरा शब्द का उच्चारण किया। इकरा का अर्थ होता है बयान करो। तो ये इकरा शब्द का जो है महत्व ये है कि कुरान शब्द भी इसी इकरा से बना है। तो जिब्रिल उन्हें अल्लाह का संदेश देने के लिए आए थे। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जिब्रिल जो है हजरत मोहम्मद को कुरान का संदेश दे रहे हैं, अल्लाह का संदेश दे रहे हैं। तो 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने खुद को अल्लाह का संदेश वाहक या रसूल घोषित किया और उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम के जो उन्होंने नियम स्थापित किए कि कोई कभी जो इस्लाम को कबूल करता है उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहला है शहादा का अर्थ होता है कि सिर्फ एक अल्लाह, उसके रसूल पैगंबर मोहम्मद और कुरान में विश्वास प्रकट करना। और दूसरा जो है मूल नियम वो ये है प्रार्थना, जिसे सलात या नमाज कहते हैं। तो यह मक्का की ओर मुंह करके हर मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है। प्रत्येक दिन जो सच्चा मुसलमान है उसे ये उम्मीद की जाती है कि 5 बार वो काबा की तरफ को मुंह करके नमाज अता करे। और तीसरा रोज़ा जो है वो रमज़ान के महीने में रखा जाता है, जिसे सौम या रोज़ा रखना कहते हैं। इसमें दिन भर जो है बिना भोजन पानी के रहा जाता है और रात को जो है रोज़ा तोड़ा जाता है। और चौथा जो है नियम वो ये है कि खैरात या जकात, यह एक वार्षिक दान है जो हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में अपनी आय का 2.5% यानी कि 2.5% जो है बांटना अनिवार्य। और अंतिम जो नियम है वो ये है कि हज करना, यानी कि जो हज है ये एक तीर्थ यात्रा है। तो हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। तो हर समर्पित मुसलमान को हज का खर्चा उठा सकता है और विवश ना हो, यानी कि मोहताज ना हो, शारीरिक रूप से अपंग या बीमार ना हो, तो वो जो है जीवन में एक बार जो है उसे ये हज यात्रा करना अनिवार्य है। तो इस्लाम का प्रसार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार वो है पूरे विश्व में फैल गया? तो पैगंबर मोहम्मद के विचार उन लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हुए जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित पाते थे। तो जिन लोगों को व्यापार और धर्म का लाभ नहीं मिला उन लोगों में ये धर्म का जो है इस्लाम जो है काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि अगर वो मुसलमान बनते हैं तो उनको यहाँ पे सभी संसाधनों में बराबर का हक मिलेगा। तो उन्होंने रसूल के धार्मिक सिद्धांतों को माना, वे मुसलमान कहलाए। और मुसलमान का मतलब होता है संपूर्ण ईमान जो अल्लाह के ऊपर रखता है, उसके पैगंबर पे रखता है। पैगंबर जिन्हें रसूल कहते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से ईमान यानी कि विश्वास रखता है, वह मुसलमान है। और जो भी मुसलमान हैं उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते समाज के संसाधनों में बराबर हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया। तो इस तरह से जो है समानता और भाईचारे का संदेश जो है वो इस्लाम के जो है मूल भावना है। तो देव और मूर्ति पूजक लोग नहीं चाहते थे कि मोहम्मद साहब किसी ऐसे बात को फैलाएं जिससे मूर्ति पूजा के लोग विरोधी हो जाएं। तो 622 ईस्वी में इसी विरोध की वजह से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना की तरफ को जाना पड़ा। तो मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना जो है वो 200 मील की दूरी पर है लगभग। और इस तरह से पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ जब मक्का से मदीना गए तो उस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। तो जिस वर्ष पैगंबर का मदीना आगमन हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई जो हिजरी कैलेंडर कहलाता है। जैसे तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत उमर खलीफा के समय में हुई थी। तो हिजरी वर्ष जो है एक चंद्र वर्ष होता है, यानी कि चंद्रमा के हिसाब से इसकी गिनती होती है, जिसमें 354 दिन होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि सौर कैलेंडर के अंदर 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 होते हैं। तो 365 दिन के सौर वर्ष से ये चंद्र वर्ष जो है वो 11 दिन कम होता है। इसमें वर्ष में 12 महीने होते हैं जो मुहर्रम से शुरू होकर हिज्जा जो आखिरी महीना है जिसमें हज किया जाता है वहाँ तक ये होते हैं। और प्रत्येक महीना जो है वो 29 से 30 दिन का होता है। इस्लाम का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार हुआ, यानी कि उसको मजबूत कैसे किया गया? तो इस्लाम का सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए वो इस प्रकार हैं कि समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत किया गया और बाहरी खतरों से भी मजबूत किया गया। तो इस तरह से जो है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए
कई राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। अब ये राजनीतिक संस्थाएं जो हैं तीन तरीके की हो सकती हैं, जो या तो जो है विरासत में प्राप्त हुई हों, यानी कि पहले से ही बनी हुई हों और बनी बनाई वहाँ पे मिली हों, यानी कि पहले के टाइम से ही वो चल रही हों, और दूसरा ये है कि बाहर से प्राप्त की गई हों, यानी कि कहीं और से दूसरे शासित प्रदेशों से सीखी गई हों, या फिर तीसरा है कि नव निर्माण किया गया हो, यानी कि बिल्कुल नई सोच के साथ बनाई गई हों। तो ये तीन प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं का जो तरीका होता है राजनीतिक संस्थाएं बनाने का, तो मोहम्मद साहब ने इन तीनों तरीकों को अपनाया और इस तरह की वहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। तो उसका जो है असर ये हुआ कि वहाँ जो है अनुयायी जो थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको सुरक्षा प्रदान की गई और कबीलों के अंदर जो अंतःकलह थी उसकी भी समाप्ति हो गई। और दूसरा जो उन्होंने तरीका अपनाया इस्लाम को सुदृढ़ करने का, वो ये था कि उम्मा जो विश्वासियों का समुदाय कहलाता है, उम्मा का मतलब है जो इस्लाम में विश्वास करते हैं, तो उन विश्वासियों के समुदाय को बड़े समुदाय के रूप में बदलने के प्रयास किया गया, यानी कि जितना हो सके अपने विश्वासियों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और इसके लिए इसका जो परिणाम ये हुआ कि मूर्ति पूजक और यहूदियों को रसूल के राजनीतिक नेतृत्व में लाया गया, तो अधिक से अधिक लोगों को जो मूर्ति पूजा करते थे कबीलों के लोग और यहूदी लोग जो उस समय अरब में रहते थे, उनको रसूल के राजनीतिक नेतृत्व में लेके आया गया। और तीसरा जो तरीका था वो था कर्म कांडों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और उनको परिष्कृत किया, जो पहले से चल रहे थे उनको सुधार के रूप में लाया गया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनुयायियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए जैसे रोज़े रखना, उपवास रखना आदि जो पहले से ही चले आ रहे थे, तो इसी तरह से हज यात्रा भी जो पहले वार्षिक यात्रा हुआ करती थी सभी कबीलों की मक्का की, उनको जो है यहाँ पर नैतिक सिद्धांतों में इस्लाम के जोड़ दिया गया और इससे अनुयायियों के विश्वास को मजबूती मिली, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा चेंज जो है उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ किया गया है। और चौथा जो तरीका ये था कि आर्थिक स्रोतों को बढ़ाना, यानी कि आर्थिक रूप से समुदाय को मजबूत करना, तो उसके लिए जो प्रयास किए गए वो इस प्रकार थे कि कृषि और व्यापार के कर से आय को बढ़ाया गया और जो अन्य समुदाय के लोग जो इस्लामी राज्य में रहते थे जैसे यहूदी, ईसाई वगैरह, उनके ऊपर जो है खैरात या जिसे जकात कहते हैं ये कर लगाया गया। इसके अलावा जो है नकलिस्तानों पे धावे बोले गए, छापे मारे गए और वहाँ से जो है अधिक से अधिक धन संपदा को लूटा गया या वहाँ से वसूली की गई। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक स्रोतों को बढ़ाया गया। अब इनका क्या परिणाम हुआ कि मक्का के लोगों और मदीना के यहूदियों के बीच में दरार पड़ गई और ये दरार पड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मदीना के लोग समृद्ध हो गए थे, तो इस वजह से जो है मक्का के लोगों के ऊपर धीरे धीरे जो है उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब अंतिम जो तरीका अपनाया गया वो धर्मांतरण का था, यानी कि दूसरे धर्म को या जो बुतप्रस्त लोग थे कबीलों के उनको जो है धर्मांतरित करके इस्लाम के अंदर लेके आना। तो ये जो अपनाया गया उससे बहुत से कबीले जो थे जिनमें अधिकांश जो थे बद्दू थे, तो उन बद्दुओं ने अपना धर्म बदल कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से इन पाँच तरीक़ों से इस्लाम को मजबूती प्रदान की गई और जो पहले से ही इस्लाम के अनुयायी थे उनको सुरक्षा प्रदान की गई। अब मोहम्मद साहब के इन प्रयासों के क्या परिणाम हुए, तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये मोहम्मद साहब के समय में जो जितने क्षेत्र में इस्लाम फैल चुका था ये वो वाला भाग है। तो जो मोहम्मद साहब के 622 से 632 ईस्वी के उनके जीवन काल में रहा, इसके बाद ये वाला जो भाग है जो थोड़े हल्के रंग से दिखाया गया है ये जो है पहले खलीफा उमर
ये जो है पहले खलीफा के समय में विदित किया गया था, और बाकी का ये भाग जो है ये उम्मेद वंश के खलीफाओं ने जीता था। तो इस तरह से जो है ये देख रहे हैं कि इतने बड़े भूभाग पर इस्लाम को फैलाने में मदद मिली मोहम्मद साहब ने के प्रयासों से और खलीफाओं के प्रयासों से। तो आइए अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि मक्का पर अधिकार हो गया उनका और वो जो है एक धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा, और साथ ही साथ मदीना जो है वो इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गई। आप ये देख रहे हैं ये मक्का है और ये मदीना है। तो मक्का जो है वो धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा और मदीना जो थी इनकी प्रशासनिक राजधानी थी, और काबा जो है वहाँ से बुतों को हटा दिया गया, बुत यानी कि मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि जब इबादत करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो सभी मुसलमानों को ये आदेश था कि वो काबा की तरफ मुंह करके इबादत करें। तो इससे ऐसा होता कि वो बुत परस्ती ही कर रहे हैं, यानी कि बुतों की ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए काबा में से बुतों को हटा दिया गया। और अंतिम जो इसका परिणाम लिख रहा कि वो अधिकांश अरब प्रदेश पर मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के टाइम में ही जो इस्लाम था वो काफ़ी बड़े भूभाग में फैला। अगले पार्ट में हम देखेंगे खलीफाओं ने किस प्रकार से इनके धार्मिक प्रभाव और राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाया। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।